जिस तरह बहुलक और माध्यक वर्गीकृत और अवर्गीकृत आंकड़ों के निकाले जाते हैं, ठीक वैसे ही माध्य भी अवर्गीकृत और वर्गीकृत आंकड़ों के निकाले जा सकते हैं। अवर्गीकृत माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए। अवर्गीकृत आंकड़े फिर से याद दिला देता हूँ, जिनमें कोई क्रम नहीं हो, आरोही अवरोही कोई क्रम नहीं हो, घटता बढ़ता कोई क्रम नहीं हो, कोई अंतराल नहीं हो, वो अवर्गीकृत आंकड़े कहलाते हैं। उनका मात्र ज्ञात करने के लिए सबसे सरल तरीका है और सीधा सा सूत्र है, जो आंकड़े हैं उनका योग करें बट्टा आंकड़ों की संख्या। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य ज्ञात करने का सूत्र है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। जैसे यह है अवर्गीकृत आंकड़े, इनका माध्य यदि ज्ञात करना हो तो सबसे पहले सूत्र के अनुसार आंकड़ों का योग करें, तो 7 + 15 + 0 + 3 + 4 + 5 और बाद में आंकड़ों की संख्या इन्हें काउंट करके इनका भाग लगाएं, तो 1 2 3 4 5 6 चलिए ऐड करें, 15 + 7 = 22 + 3 = 25 + 4 = 32 + 5 = 34। अब इन्हें डिवाइड करें, 6 का भाग लगाएं। देखो ये रफली वर्ग है, एक रफ का यह है, सभी बच्चों को ध्यान में रखते हुए यहाँ भी करना पड़ता है। कुछ बच्चे जल्दी कर सकते हैं, कुछ आराम से करेंगे, कुछ देख के करेंगे, तो सभी के लिए है। तो सबसे पहले हम भाग लगाएंगे, 6 का 34 में तो 5 बार चला जाता है, ऊपर भाग पर लिखते हैं, नीचे से इस पर 4, आगे नहीं कोई संख्या हो तो दशमलव लगा लेते हैं, और दशमलव के लिए नीचे यानी कि जो भाज्य उतारा जाता है, जहाँ संख्या खत्म हो जाती है, अब आगे कुछ नहीं था, तो उस दशमलव का उस पॉइंट का 10 उतार लिया जाता है। अब फिर 6 का भाग लगाएं, 36 यानी कि 6 बार, फिर घटाएं। अब देखो एक बार दशमलव लगा दिया, उसका 0 आप कभी भी कितनी बार भी उतार सकते हो, और ज़्यादातर हमें दशमलव के 2 अंकों तक का उत्तर लेना होता है, इसलिए 2 अंक तक का ही मान निकालें। आपका माध्य है 5.66 या 5.67। ये जो 6 की जगह 7 लिखा है वो ध्यान रखें, यदि रिपीटेशन वाली संख्याएं, आवर्ती वाली संख्याएं हो तो उनमें से लास्ट संख्या के लिए 1 अंक को बढ़ाकर लिख देते हैं। जैसे यदि कहीं हो 5.33 तो उसे हम 5.34 लिखते हैं, ठीक है। ये था आपका अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य सूत्र, जो याद रखना है सीधा सा है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और ये उदाहरण नोट करें। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य 3 विधियां होती है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि यानी कि समांतर माध्य की, ये दोनों एक ही है। यदि सवाल में कहीं हो समांतर माध्य ज्ञात करें या प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करें तो इस विधि से करना है। चलिए शुरू करें। प्रत्यक्ष विधि का मतलब होता है कि जैसे हमें आंकड़े दिए हैं वर्गीकृत, उनके लिए माध्य ज्ञात करें, तो उसके लिए सूत्र है, यह है सिग्मा, जो ई की तरह दिख रहा है वो है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। और जहां जैसे कि सिर्फ सूत्र से ही कुछ नहीं होता, जहां इनका अर्थ आना जरूरी है, ठीक है, से ही जहां सिग्मा इसे कहेंगे सिग्मा, जिसका अर्थ होता है योग यानी कि जोड़, सबका जिसके आगे लगता था उस सबका जोड़ करना पड़ता है। एफ का मतलब है बारंबार का, और एक्स का मतलब है वर्गों का
अर्धांतर, यानी कि वर्ग के लिए जो हमें आंकड़े दिए जाएंगे उसके लिए हम कहेंगे वर्गांतर, यानी कि वर्गों का अर्धांतर, अर्धांतर। चलिए शुरू करते हैं उदाहरण से। सूत्र एक बार रिपीट करें, सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, यह है समांतर माध्य यानी प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने के लिए। यह है उदाहरण। आंकड़े किसी भी रूप में हो सकते हैं, हमने यहाँ आंकड़े दिए हैं वेतन के रूप में, यानी वेतन रुपयों में है, 1000 से 2000 तक। ये है बारंबार का यानी मजदूरों की संख्या, 15 मजदूर ऐसे हैं जिनको 1000 से 2000 तक के बीच का वेतन मिलता है, एक वैसे ही आंकड़े हैं। इनका हमें समांतर माध्य या प्रत्यक्ष विधि से यदि माध्य ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो जो कॉलम है, ये दो सारणी जो है वो आपको दी हुई मिलेगी। तीसरा कॉलम है तो हमें ज्ञात करना है, सूत्र में x यानी कि वर्गांतर इसका आधा, तो वो हमें ज्ञात करना है। और x निकालें कैसे उसके लिए, और यहां के लिए याद रहेगा कैसे ज्ञात करते हैं, x जो होता है वो आंकड़ों का योग करके उसमें दो का भाग लगाने के लिए प्राप्त हो जाता है। आंकड़ों का योग करें और उसका फिर आधा कर दें, जैसे 1000 से 2000 इनका योग कितना हो गया 3000, और इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। ठीक वैसे ही 2000 3000 का करें तो 2500, फिर 3500, फिर 4500, फिर 5500, फिर 6500 और फिर 7500। ये था तीसरा कॉलम। अब हमें चाहिए चौथा कॉलम एफ एक्स, जैसे सूत्र में ठीक वैसे ही करना है। एफ एक्स मतलब एफ बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इन्हें क्या करना है, इनटू एफ वाली लाइन यानी बराबर का और एच वाली लाइन यानी कि वर्गांतर का, इनको हमें आपस में गुणा करके लिखना है। यहां लिखते समय ध्यान रखें कि अंक जो लिख रहे हैं पहली लाइन के जो गुणा करेंगे 15 को 15 से इंटू किया 225 यानी कि 22500, और फिर इसी तरह 13 को 25 को यानी 2500 से गुणा करें, चलो गुणा तो कर देता हूं मैं, आप भी कर सकते हैं वैसे। 13 को 5 से किया 65, 65 का 5 असल की 6 36 26। ये कहने का मतलब था कि ये जो डिजिट है वो हर कहीं ना लिखें, जैसे 3 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ लिख दिया, 5 यहाँ लिख दिए, कहीं लिख दिए, या यहाँ से लिख दिए छोटे छोटे, तो फिर जोड़ में गलती हो जाएगी। इसलिए जो हमने पहला डिजिट लिखा है ठीक उसी के नीचे लिखते जाएं ताकि आपकी जोड़ बाकी में गलती ना हो, ठीक है। तो गुणा करने पर 12 को 3500 से गुणा किया 42000, ठीक इसी तरह आगे वाले उत्तर आप भी गुणा करके कर सकते हैं, ठीक वैसे किया हुआ पहले कर दिया बंदे के। करना क्या था, वापस रिपीट करें, दो तो लाइनें दी हुई होगी, तीसरा एक्स हमें ज्ञात करना है, एक्स ज्ञात करने का तरीका भी यहाँ है, नोट करें ध्यान रखें, आप भी हल कर सकते हैं और आज होमवर्क भी दूंगा मैं। वर्गों का आधा अंतर करके लिखना है, आंकड़ों का योग करें और उसका आधा करके लिख दें, ठीक है, पॉइंट में भी हो सकते हैं। फिर चौथा कॉलम जो हमें सूत्र में चाहिए एफ गुणा एक्स एफ इंटू एक्स, वो ज्ञात करना है, ये ज्ञात करें। अब माध्य ज्ञात करने के लिए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, सिग्मा का मतलब क्या था, योग, यानी कि एक को इस लाइन का योग करना है सिग्मा एफ का यानी एफ वाली लाइन का, और दूसरा एफ एक्स वाली लाइन का योग करना है, उसका भाग लगा देना। चलिए करें, एफ का योग करें 5 3 8 2 10 11 8 19 19 और 9 27 28 28 8 80 की 2 3 4 5 6 7 और 8। दूसरी तरफ इनका जोड़ करें 0, देखें एक लाइन लिखने का ये मतलब सरल तरीका हो जाता है, सीधे सीधे जोड़ हो सकते हैं, 5 और 5 10 5 15 5 20 हासिल की 2 2 4 2 6 2 8 9 17 9 36 8 34 और 5 39, 3 2 5 8 4 12 4 16 9 25 5 30 और 7 37।
माध्य ज्ञात करें, मान रखे सिग्मा एफ एक्स बड़ा वाला मान दो गुना करके आया था, वो यहाँ ऊपर लिखे 379,000 और 88 का इसमें भाग लेना है। ये रफली वर्क है आपके लिए कर रहा हूं मैं, ठीक है। इसके भाग लेते हैं तो उसके लिए देखें सबसे पहले भाग कितने बार लेना है, उसके लिए 4 बार 832 फिर 832 और 335 शेष रह गया 7, 2 और 0 भाग चला जाएगा 3 बार 8 के 24 और 2 26 घटाने पर 6 आगे वाली संख्या 0। अब देखिए यहाँ भाग टूट जाता है, भाग टूटने का मतलब है कि छोटी संख्या रह जाती है, इसलिए भाग टूटने का 0 लगाते हैं और यहाँ 1 0 और उतार लिया जाता है, तो यहाँ से अपनी संख्या जो है वो पूरी खत्म हो चुकी है। 600 में 88 का भाग लगाएं तो जाएगा 6 बार 6 48 और फिर 6 48 और 4 बार शेष रह गए 72। आगे कोई संख्या नहीं हो तो दशमलव यानी 720 और 720 में 88 का भाग लगाएं तो चला जाएगा 8 बार। तो आपके उत्तर जो है यानी माध्य जो है वो है 43.06.8 यानी कि 4,306.8। ये थे किसी में वो लिखे इसकी इकाई यानी कि रुपए। तो ये था वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य की पहली विधि, प्रत्यक्ष विधि या समांतर विधि।